So hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. And you are watching Beat Blaster. So आपके लिए क्या नई वीडियो और आज की वीडियो नाइक की और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा इस वीडियो में. कपिल शर्मा शोकिंग स्टेटमेंट शॉक्ड मुस्लिम. आई थिंक मुस्लिम के बारे में या कुछ ऐसा कहा होगा कपिल शर्मा ने. देखते हैं कैसी बात हुई होगी. शॉक्ड हो गए हैं. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा इस बारे में, सो देखते हैं. बाकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. फैक्ट्री ऑफ शिर्क यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो. सो करें प्ले. जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है. लेकिन जानवर को प्रोटीन कहां से मिलता है? वही घास और पेड़ से. भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें. वो बेजुबान है और बदुआ बहुत असरदार होती है उसकी, तो ये ना करें आप. मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है. कम अज कम 23 अमीनो एसिड की जरूरत है. यही 23 में से 8 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते. उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए. कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजीपाला नहीं है जिसमें आटों के आटों अमीनो एसिड मौजूद है. फ्लैश में, गोश्त में आटों अमीनो एसिड मौजूद है. इसे साइंस कहती है कम्प्लीट प्रोटीन, कम्प्लीट फूड. आज साइंस ये कहती है के फ्लैश फूड में, गोश में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है. इससे सेहत अच्छी बनती है. और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजीपाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं. उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है. ये सिर्फ भाजीपाला खाते गोश्त खा ही नहीं सकते. जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर, शेरे बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं. ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजीपाला खा ही नहीं सकते. जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिए हैं. चपटे दांत भी दिया है और नोकेले दांत भी दिया है. अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो ये नोकेले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए. आज की साइंस कहती है कि हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजीपाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते. जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर, शेरे बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजीपाला नहीं. लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है. हम भाजीपाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते. अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजीपाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं. और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मज़हब में गोश्त खाने की ममानियत है. भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है. हिंदू है ना सर जी? हिंदू ही है. आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है. आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है. आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मज़हब में गोश्त खाना हराम है. आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं. आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज़ को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए. सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन. तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे. लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप
पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग, तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा, युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में पूजा में चावल बार्ली सेब भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरण देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल दूध की बात कर रहे हैं सर। आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसेरस देंगे या रेड मीट लाल गोश्त तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं, भाजीपाला, मछली, गोश, खरगोश, हिरण, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश खाते थे, गाय का गोश भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश खाना हराम है, क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहब से प्रसन्न हुए, मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, भाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए भाजीपाला खाना गलत नहीं है लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता, पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है, तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंस में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते, वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज़्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूँ कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मी लॉर्ड कासिर को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस योर 2 सेंसेस वो नहीं, इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खसूसन
कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप दो मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं, तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज़ की इजाज़त है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वो सुनता है। सो ये थी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिन्होंने आंसर दिया है कि गोश्त खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। ये सभी की अपनी अपनी मर्जी है ना, और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, सभी का अपना अपना डिसीजन है। कोई किसी रीज़न से नहीं खाता, किसी को अच्छा नहीं लगता खाना और कई यही सोच के खाते हैं कि नहीं किसी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, वो अपनी अपनी थिंकिंग है। किसी को यही बढ़िया लगता है ना कि जो इमोशनल होता है, एक सेंसिटिव सा होता है बंदा, क्यों किसी की जान को उगाएगा ना। सो ये था, और बाकी आपसे बताना आपका डिसीजन क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मेरे ख्याल से तो ये है कि मैंने भी देखा है अपनी आंखों से कि इस्लाम में और मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा गोश्त खाया जाता है, और मतलब इनकी सेलिब्रेशन ही गोश्त होती है। कुछ भी होगी, शादी होगी, किसी का निकाह होएगा या कोई पार्टी होगी तो गोश्त तो बनेगा ही बनेगा, गोश्त तो होएगा ही होएगा, वो भी मटन मैक्सिमम मैंने देखा है ना। तो बाकी आपसे भी बताना कि आपकी क्या राय है। और अच्छा, कोई ऐसा होता है, होते होंगे ऐसे भी होते होंगे कि जो इस्लाम में होते होंगे मुस्लिम में होते होंगे पर फिर भी गोश्त नहीं खाते होंगे, होते होंगे ऐसे कुछ ना कुछ। तो सो आप तो सभी खाते होंगे जहाँ तक मेरा कैसा, बाकी कमेंट्स में बताना जो नहीं खाते। और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, और डॉक्टर जाकिर नाइक की, और अगर आप वीडियो चाहते तो सजेस्ट करा करो, कमेंट्स करा करो कि कैसी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए, सो हम जरूर लेके आएंगे। और बस ये कि बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।